नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है और इस मौके पर सूबे के मुखिया ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, संविधान शिल्पी, सामाजिक न्याय के प्रणेता, अद्वितीय विविधता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शत शत नमन है। आपके द्वारा प्रेषित सामाजिक न्याय एवं समता मूलक समाज का दीप और मार्ग सदैव प्रज्वलित करते रहें। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, बाबा साहेब को सीएम का नमन। आपके द्वारा पोषित समता मूलक सिद्धांत हमेशा ही समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे, समाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो सीएम योगी ने आज के दिन बाबा साहेब को नमन करते हुए किया है। तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए यह सूचना साझा करते हुए मंगलवार को लिखा, मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, अतः मैंने एहतियातन अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, ओएसडी अभिषेक कौशिक, विशेष सचिव अमित सिंह सहित कुछ अन्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सीएम वर्चुअली सभी काम करने वाले हैं। सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, लेकिन सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि सीएम अब कोई काम नहीं करेंगे या एक्टिव नजर नहीं आएंगे। सीएम करेंगे, सारे काम करने वाले हैं, वो वर्चुअली सब कुछ हैंडल करेंगे। सीएम कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद एहतियातन सीएम ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और ये संदेश सूबे के मुखिया की तरफ से आप तमाम लोगों को भी है कि अगर आप कभी भी कहीं भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जा रहे हैं, नियमों की अनदेखी आपसे हो रही है या आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में मंगलवार को अपना कोविड टेस्ट कराया, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीते दिनों उत्तराखंड दौरे पर थे। इस दौरान वो हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरे के संपर्क में आए थे। महंत बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद लखनऊ पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में अपना कोरोना टेस्ट कराया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। बेहद बड़ी खबर है ये। तो आपने देखा और समझा कि किस तरीके से सूबे का पक्ष आइसोलेट है और विपक्ष संक्रमित हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर उत्तर प्रदेश में अपने पांव जमाने पर आमादा है। सरकार के तमाम जतन के बाद भी इस कहर को रोका नहीं जा पा रहा है, अंकुश नहीं लग पा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर 18,021 नए संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 95,000 से ज्यादा एक्टिव मामले, जबकि कई लोगों ने इसके कहर से दम तक तोड़ दिया। प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद जानलेवा होती जा रही है। बीते 24 घंटे के अंदर लखनऊ में 3,892 केसेस सामने आए हैं। लखनऊ में 21, तो प्रयागराज में 15 और कानपुर में 5 लोगों की अब तक मौत भी हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। अनूप, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जिस तरीके से सूबे का पक्ष यानी कि मुख्यमंत्री आइसोलेट हैं और साथ में अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा जब वाराणसी का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का था, तो उनके जो फ्लीट में जो ड्राइवर है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तभी से आशंकाएं बढ़ गई थी कि मुख्यमंत्री
का जो जो सिक्योरिटी है या फिर उनके आसपास के लोग हैं, यानी वहां तक कहीं ना कहीं कोरोना दस्तक दे चुका था। उसके बाद एहतियातन जिस तरीके से जो टीम 11 के जो अधिकारी थे उनकी हालत धीरे धीरे जब खराब हुई तो कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं कोरोना से संक्रमित निकले, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एहतियातन तौर पर कल मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर अपनी सूचना देते हुए कि वो आइसोलेट खुद को कर लिया है और सभी जो काम है वो वर्चुअल के माध्यम से करेंगे। अभी 11:30 बजे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो एक समारोह है उसको संबोधित करेंगे वर्चुअल के माध्यम से, मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर बाद सूचना मिली है। तो तमाम जो काम है वो नहीं रुकेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम वो काम वर्चुअल के माध्यम से करेंगे, अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना ने पैर पसारा है पूजा, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। जिस तरीके से लगातार आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं, कल उत्तर प्रदेश में 85 लोगों की मौत हो गई है, ये आंकड़ा पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से कोरोना काल हुआ है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हालात बहुत ही खराब कहे जा सकते हैं, क्योंकि अब तो ये स्थिति आ गई है कि शमशान घाट पर वहां भी स्थिति खराब है, वहां भी लाइन लगी है, वहां जो सौदा बिजली वाले थे वो भी एक खराब पड़ा, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण लकड़ी से जलना शुरू हुआ है, लकड़ी कम पड़ गई तो दूसरे जिलों से मंगाई जा रही है। ये तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति ज्यादा सीरियस होता है तो उसको एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही है, एम्बुलेंस को लेकर के जिस तरीके से सारे बेड फुल हैं उसको लेकर कई अस्पतालों में जाना पड़ता है, खुदा ने खास्ता किसी प्रकार जुगाड़ से मिल गई। यहां तक कि आपने देखा होगा कि तमाम जो विधायक है मंत्री वो भी इस बात को मान चुके हैं कि स्थिति उत्तर प्रदेश की खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। तो आपको बता दें कि सूबे की स्थिति बेहद भयावह है और ऐसे में लगातार देख रहे हैं आप कि सूबे के मुखिया ने खुद को आइसोलेट कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम कार्यक्रम या जो भी और काम है वो रुक जाएंगे। यहां से संदेश ये भी कि दूरी बनाकर के भी काम हो सकता है। प्रदेश के अंदर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को 2 या 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए। तो वहीं कोर्ट ने कहा कि नाइट कर्फ्यू या फिर कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के बहुत छोटे कदम हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ जिला प्रशासन के अफसरों की सुस्ती से प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक बेहद आहत हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखते हुए राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान होने वाली असुविधाओं का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ के चिंताजनक हालात पर लिखे गए पत्र में उन्होंने लखनऊ में कोविड की बद इंतजामी और बदहाली को लेकर अपना दर्द बयां किया। पत्र लिखते हुए मंत्री ने सवाल उठाने के साथ ही कहा कि लखनऊ में हालात चिंताजनक हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी नगर की सरकार, गांव की छोटी सरकार की, यानी कि पंचायत चुनावों की। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में पहले चरण के लिए 15 अप्रैल को वोटिंग होगी। पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए मंगलवार शाम को 5 बजे 18 जिलों में चुनाव प्रचार का दौर थम गया। इतना ही नहीं, बुधवार शाम 6 बजे से मतदान वाले स्थलों से 8 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी। इसके बाद ये सभी दुकानें गुरुवार शाम 6 बजे के बाद खुलेंगी, यानी कि चुनाव खत्म होने के बाद। तो वहीं प्रदेश में पंचायत चुनावों को निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी चुनौती के तौर पर लिया। आयोग ने 15 अप्रैल को 18 जिलों में होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। मतदाता के पास वोट डालने के लिए 11 घंटे का समय रहेगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर के शाम को 6 बजे तक चलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पंचायती राज विभाग ने इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मतदान का समय 11 घंटे कर दिया है। ऐसा पहली बार है जब निर्वाचन आयोग ने मतदान करने के लिए इतना समय दिया है। इस चुनाव में खास बात यह भी है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण होम क्वारंटीन या फिर अस्पताल में भर्ती लोग भी मतदान कर सकते हैं। इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने खास इंतजाम करे हैं, योजना भी बनाई है। इसके लिए कोरोना संक्रमित व्यक्ति के स्वजन को मतदान के एक दिन पहले जिले में रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में जानकारी देनी होगी।
प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार अपना कहर दिखा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी के मंत्री भी सवाल उठाने लगे हैं। मंत्री ब्रजेश पाठक के बाद अब सांसद कौशल किशोर ने कहा कि निर्वाचन आयोग को तत्काल संज्ञान में लेकर पंचायत चुनाव की निर्धारित मतदान की तिथि को एक महीने आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों की जान बचाना बेहद जरूरी है, चुनाव कराना जरूरी नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप खुद सुनिए। बड़े पैमाने पर कोरोना दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई हजार लोग कोरोना के चपेट में रोज आ रहे हैं। इस समय जो पंचायत के चुनाव लखनऊ में हो रहे हैं, उनकी मतदान की तिथि कम से कम एक महीना बढ़ाना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो लगातार कोरोना के पेशेंट की तादाद बढ़ती जाएगी और लोगों की जान की हान बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती है, क्योंकि शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लग गए हैं। हर आदमी की जान खतरे में है, लोगों को मजबूरी में चुनाव प्रचार के लिए भी जाना पड़ रहा है। इसलिए चुनाव आयोग से मेरी अपील है कि लखनऊ के पंचायत के चुनावों की तिथि कम से कम एक महीना और आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। तो संजीव हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव, आपसे समझेंगे जिस तरीके से अब विरोधियों की क्या बात की जाए, अपने ही खेमे के लोग बोलने लग गए हैं कि बद इंतजामी बहुत ज्यादा है और देश के और प्रदेश के सबसे ज्यादा खास बात हालात ये कहते हैं कि चीजें सुव्यवस्थित की जाएं। कौशल किशोर ने भी जिक्र किया है कि पंचायत चुनावों को डिले किया जाए। बिल्कुल पूजा जी, देखिए जब अपने ही अपनी सरकार और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाने लगे तब सरकार को सोचने की जरूरत है। आप समझिए कि ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश सरकार में सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, कानून मंत्री के तौर पर काम करते हैं, और दूसरे कौशल किशोर जो राजधानी लखनऊ की दूसरी लोकसभा सीट यानी मोहनलालगंज से सांसद है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के बदतर हालातों को जो उन्होंने उठाया है, जिस पर चिंता व्यक्त की है, उसका कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। विपक्ष तो लगातार सरकार को बदतर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते घेर ही रहा है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव है। उन्होंने सरकार से साफ तौर पर कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल तो प्रचार के लिए जाते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं करते। तो कहीं ना कहीं अब जो कोरोना वायरस की स्पीड है पूजा जी, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। और आप समझिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब 100 से 200 लोगों का अंतिम संस्कार कोरोना के चलते मौत के चलते होता हो, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल चिंता की स्थिति है उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आपने देखा और समझा किस तरीके से हालात हैं। हालांकि पंचायत चुनावों को लेकर के हर दल अपने अपने दांव दिखा चुका है और अब ऐसे में बारी है चुनावों की। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये कि जब सूबे में हालात ऐसे हैं तो क्या ये चुनाव पूरी पुख्ता तरीके से योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हो पाएंगे क्या, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुस्लिम समुदाय में बहुत पवित्र माने जाने वाला रमजान का महीना आज से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर मौलाना सुफियान निजामी ने बताया कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए हमें कैसे रोजा रखना है, आइए जानते हैं। कोरोना के इस महामारी के दौर में कोविड जो हमारे सामने एक बड़ा मसला बनकर खड़ा हुआ है, इसके दौर में भी उलमाए किराम ने ये बात वाज़ह तौर पर बयान फरमाई है, कोविड प्रोटोकॉल जो हिदायत आई हैं उनका ख्याल रखते हुए मस्जिदों में जाएं और जो भी प्रिकॉशंस आपको डॉक्टर्स हजरात या जितने जो भी माहिरे तिब हैं, माहिरे अमराज हैं, वो जो भी आपको जो सजेशन कर रहे हैं आप उनका पूरा ख्याल रखें। कोशिश करनी है कि हर एतबार से अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, रमज़ान के रोज़ों को भी रखना है और किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी न करते हुए रमजान को भी सही तौर पर मनाना है, अपनी भी हिफाजत करनी है और दूसरों की भी हिफाजत करनी है। तो वहीं दूसरी तरफ दारुल इफ्ता फरंगी महल ने अपने एक फतवे में कहा कि कोरोना का टीका लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा, लिहाजा रमजान के महीने में रोजे के हालात में वैक्सीन ली जा सकती है। दारुल इफ्ता द्वारा मंगलवार को दिए गए इस महत्वपूर्ण फतवे में कहा गया है कि कोरोना टीके की दवा इंसानी बदन की रगों में दाखिल होती है, पेट के अंदर नहीं जाती, इसलिए इसको लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा।
तो रोजा के दौरान अपना ध्यान रखें, साथ में कोरोना नियमों का खास पालन करें। सबसे बड़ी बात, ये जो फतवा जारी हुआ है इसमें इस बात का जिक्र है कि आपका रोजा नहीं टूटेगा। बरेली से हमारे संवाददाता फजलुर रहमान लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। फजल, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कोरोना का पीरियड है और रमजान भी आज से शुरू हो गए हैं, माह रमजान की शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है, कैसी हलचल देखने को बरेली में मिल रही है? फजल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? हेलो फजल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी फजल बताएं, बरेली में क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि फतवा जारी हो गया है कि कोरोना वैक्सीन भी करवा सकते हैं, और रोजे में किस तरीके से आपको ख्याल रखना है कोरोना से बचते हुए आप रमजान का पालन भी कर सकते हैं। रमजान में आप रोजा रखने के बाद वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करना अनिवार्य है और रोजा भी रखना अनिवार्य है। इसके चलते यहाँ पर जो वैक्सीन लग रही है उसके लिए भी फतवा जारी हो गया है कि वैक्सीन लगवा सकते हैं और उससे रोजा नहीं टूटेगा। इसके चलते लोगों में ज्यादा जागरूकता है कि उनको ये लग रहा था कि रमजान में जो वैक्सीन लगनी होगी उससे रोजा टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन लगने से रोजा नहीं टूटता है और ये फतवा जारी हो गया। और आगे पूजा बताना चाहूंगा कि वैक्सीन लगने से रोजा नहीं टूटता है और सिर्फ ब्लड निकालने से रोजा मुकरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फजलुर रहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो आपको बता दें कि रमजान को लेकर के जिस तरह की गाइडलाइंस जारी हुई हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं फॉलो करने वाली भी हैं, और ऐसे में जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि वैक्सीनेट जरूर होइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में काफी तकलीफ हो रही है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मामले में मऊ की कोर्ट में मुख्तार की पेशी हुई। इस दौरान मुख्तार ने तकिया, तखत और कुर्सी की मांग करी है। मुख्तार ने कोर्ट से कहा कि उन्हें कमर में दर्द की शिकायत है, इसलिए उन्हें जेल में एक फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध कराने की बात को माना जाए। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि मुख्तार को जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधाएं दी जाएं। अरबाज हमारे साथ बांदा से जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या कुछ अपडेट है? मुख्तार ने मांग करी थी इन तमाम सुविधाओं की, क्या सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई गई हैं? बांदा की जेल गाइडलाइंस क्या कहती हैं? अरबाज जी, पूजा बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, पंजाब की रूपनगर रोपड़ जेल से बांदा वापसी बाद मुख्तार अंसारी की परेशानी बराबर बढ़ती जा रही है। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी ऐस गांव उसको बनाए हुआ था अपने जेल को, जिस जेल में पंजाब जी रह रहा था, लेकिन बांदा जेल आने के बाद मुख्तार अंसारी को साधारण कैदी जैसे रखा गया है। बैरिक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी एक बैरिक में रखा गया है, जिस बैरिक में ना तो उसके लिए कोई बेड है, ना तो कोई कूलर है, ना तो कोई उसके लिए और अन्य सुविधाएं है। फिलहाल उसको एक जमीन में बिस्तर बिछाया गया है, जहां बिस्तर पे लेटता है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब मऊ में जब इसकी पेशी हुई तो इसने सीएम के यहाँ इस बात की अपील की है कि 2017 में इनको कुछ चीजें मुहैया कराई गई थी कोर्ट के आदेश के बाद, उसने उसका भी हवाला दिया मुख्तार अंसारी ने, उसको कहा कि वो सारी चीजें मतलब कूलर और बेड। ठीक है, अब देखना ये होगा कि जेल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मुख्तार को ये तमाम चीजें मिल पाती हैं या फिर नहीं मिल पाती। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।